अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी ये खबर पिछले कुछ घंटे से सुर्खियों में है कि उसे पाकिस्तान में कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसे किसी ने पाकिस्तान में जहर दिया है, इसलिए उसकी तबीयत एकाएक बहुत खराब हो गई और उसे तुरंत अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन के राइट हैंड कहे जाने वाले गुर्गे छोटा शकील ने दाऊद इब्राहिम के हेल्थ अपडेट को देखकर अफवाहों को शांत करने की कोशिश की। दरअसल छोटा शकील ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि भाई की मौत की खबरें सिर्फ अफवाह हैं। भाई 1000% फिट हैं। समय समय पर शरारतपूर्ण इरादे से ऐसी अफवाहें उड़ाई गई हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अभी जिंदा हैं। दाऊद इब्राहिम लंबे समय से पाकिस्तान के कराची में अपना गढ़ बनाए हुए हैं। रविवार को मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि किसी ने उसे जहर दे दिया है और डॉन अब आखिरी सांसें गिन रहा है। खबरों को हवा उस वक्त मिली जब पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों ने भी दाऊद को जहर देने की बात कही। हालांकि पाकिस्तान के किसी भी मीडिया संस्थान ने दाऊद को जहर दिए जाने की बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन दाऊद को जहर दिए जाने की खबरों को तब और हवा मिल गई जब पाकिस्तान में अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ठप हो गया। देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने काम करना बंद कर दिया। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे शहरों से यूजर्स ने शिकायत की कि वो फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर बैन की खबरों के पीछे पाकिस्तान में ये दलील दी गई है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों की ऑनलाइन रैली को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी। हालांकि ऐसा क्यों हुआ, पाकिस्तान की अथॉरिटी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में सोशल मीडिया बंद होने से हंगामा जरूर मच गया। इस कारण दाऊद को जहर दिए जाने की खबरों ने और जोर पकड़ लिया। दरअसल मोस्ट वांटेड आतंकवादी और डी कंपनी का प्रमुख दाऊद इब्राहिम भारत का भगोड़ा है। वो 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है। इस ब्लास्ट में करीब 250 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हो गए। 2003 में दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। 65 साल का भगोड़ा दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचते हुए कई सालों से कराची में रह रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक दाऊद इब्राहिम संगठित अपराध, आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। हालांकि दाऊद के सबसे करीब गुर्गे छोटा शकील के बयान के पीछे भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ हो सकता है। मतलब छोटा शकील के बयान पर एतबार करना अभी जल्दबाजी होगी। अगर दाऊद इब्राहिम की डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी को पाकिस्तान में दफनाया जाता है, उसकी बॉडी एक्सपोज होती है, तो पाकिस्तान जो लगातार झूठ बोलता आ रहा है उसकी पोल खुल जाएगी और भारत के जो दावे हैं उसको पूरी तरह से बल मिलेगा और ये बात पुष्ट हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा।